टमाटर की चटनी बनाने का तरीका। आज मैं बनाने जा रहा हूँ टमाटर की चटनी, जो खाना खाने के साथ साथ टमाटर की चटनी खाने से पेट को गैस नहीं बनने देता, भोजन को सुपाच्य पचाता है और स्वाद में भी बेस्ट बनता है टमाटर की चटनी। टमाटर को हम पहले उबाल लूँगी, 3 सीटी लगाकर इसको अच्छे से पका लूँगी। इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। टमाटर को हमने रख दिया है, अब इसको 3 सीटी लगाकर गला लेंगे। थोड़ा सा चुकंदर ली हूँ कटी हुई, इसको चुकंदर थोड़ा सा मैंने ली हूँ, इसको अच्छे से काट लूँगी मेही मेही बना के। मैं ये छोटा सा टुकड़ा बंधा गोभी को ली हूँ, इसको मैं काट रही हूँ मेही मेही करके, और इसको थोड़ा फूल गोभी है इसको भी मैं मेही मेही करके काटूंगी। ये एक खीरा है इसको भी मैं मेही मेही करके काटूंगी, और ये हरी पत्ती धनिया का है इसको मैं भी मेही मेही काटूंगी, और ये थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का है इसको भी काट लूँगी, ये मूली है इसको भी काटूँगी, ये 2 मिर्च है ये इसको दोनों को काटूँगी, और सारे हरी सब्जियाँ को मैं काट के, और एक मैंने प्याज बंद गोभी धनिया पत्ता चुकंदर हमने काट ली हूँ, अब मैं फूल गोभी को भी इस तरह से मेही मेही काटूँगी। टमाटर को हमने बॉइल कर लिया है, बॉइल अच्छे से हो गया है, अब हम इसका छिलका उतारूंगी ऐसे करके। मैंने टमाटर को छिलका उतार ली हूँ, अब इस चाकू से थोड़ा थोड़ा इसको मैं कट करूंगी ऐसे ऐसे करके। इसको हम इसके बाद से मैश कर रही हूँ। टमाटर को अच्छे से हमने मिला ली हूँ, अब थोड़ा सा अजवाइन इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। ये मैं मूली डालूंगी, मूली पेट को सुपाच्य बनाता है। ये बंद गोभी डालूंगी, हरी सब्जियां हैं विटामिन से भरपूर। ये मैं फूल गोभी डालूंगी, ये मैं प्याज डालूंगी, सिर्फ फायदे की चीज ही इसमें मैं मिला रही हूँ। ये चटनी गर्मियों के दिनों में पेट में ठंडक पहुँचाता है। ये हरी मिर्ची, ये चुकंदर थोड़ा सा, और ये धनिया पत्ता, को मिला लूँगी और मेरा चटनी बनके तैयार हो गया विटामिन से भरपूर। ये मेरा चटनी बनके रेडी हो गया है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।